नमस्कार, इनबीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं इनबीसी न्यूज की खास मुलाकात। तो जहां इस खास मुलाकात में हम कई चर्चित मुद्दों पर बैठकर यहां पर खास मेहमानों से चर्चा करते हैं, उसी श्रृंखला में आज हम फिर से एक बार खास मुलाकात में मौजूद है, जहां हम आज सबसे बहुचर्चित जो मुद्दा है, जो देश में दो समुदायों के बीच उभर पड़ा है, जो दो समुदाय को लड़ा रहा है, देश में जो स्थिति चल रही है, चाहे वो महाराष्ट्र हो या फिर पूरा भारत, अलग अलग राज्यों में इस हिंसा भड़क गई है और फिलहाल वो हिंसा जो भड़की है उसका सबब बन गई है एक फिल्म। इसी के अलावा कई दिनों से, कई सालों से यही चलता आ रहा है, आजादी के इतने साल बाद भी, भले ही हम 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मना रहे हो, लेकिन हमारे देश में फिलहाल आजादी का क्या मतलब है, ये अब तक इन हालातों से स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। तो क्यों राजनेता, जो भी नेता सत्ता में आने के लिए, क्यों हिंदू मुस्लिम मुद्दा सबसे ज्यादा उछाल कर लोगों को लड़ाते हैं, इस बात पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिंदू मुस्लिम एकता संगठन से नासिर खान और मोहम्मद जुहेब, जिनसे हम बात करेंगे और उनके इस संगठन जिसका नाम ही है हिंदू मुस्लिम एकता संगठन, उसका उद्देश्य जानेंगे और किस तरह कार्य किया जा रहा है और वो क्या सोचते हैं आज की देश के इस हालत पर, जानेंगे इस विशेष खास मुलाकात में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप दोनों का हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले मैं आप दोनों से यही जानना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम एकता संगठन, जो ये नाम है, काफी इसके मायने हैं, तो ये क्या सोचता है आज जो देश में हालत चल रही है उस पर। इसके अंदर में भी हाल ही में जिस तरीके से अभी कर्नाटक में इलेक्शन हुए, तो कर्नाटक में जो इलेक्शन हुए, अभी हमारे सम्माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो बोले थे कि अगर भाई और बहने हमें अगर वोट नहीं दिया तो कांग्रेस आकर यहाँ पर आ जाती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर सांप्रदायिक दंगे होंगे। ये दंगे का कारण क्या है ये मुझे नहीं मालूम। धर्म और मजहब के नाम से जिस तरीके से वोट बैंक की राजनीति, अपने राजनीतिक लोग, नेता लोग जो अपने तरीके से सेक रहे हैं, ये गलत है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि हिंदू और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, हमको आपस में लड़ाने का काम किया जा रहा है। उच्च स्तरीय की ऊपर में जो राजनीति हो रही है, नीचे स्तरीय के ऊपर में गिर चुकी है, क्योंकि इस हद तक के हर पॉलिटिकल पार्टी इस हद तक के गिर गई है कि आप हिंदू और मुसलमान सिर्फ वोट की राजनीति कर रहे हैं, परवाह नहीं उसके अंदर में चाहे वो कोई भी धर्म का या मजहब का हो। इस तरीके से वोट को लुभाने के लिए हमको धर्म और मजहब के आड़ के अंदर में इस तरीके से वोट बैंक के लिए इससे अच्छा सबसे ज्यादा ध्रुवकरण की राजनीति ये पार्टी द्वारा हो रही है। आज हम लोग अगर देखा जाए तो 75वां साल अमृत महोत्सव के रूप में पूरा देश मना रहा है आजादी का। क्या हम लोग वाकई में आजाद है? ये विचारों को अपनी जगह में अगर हम लोगों ने, हर एक पर्टिकुलर देशवासियों ने सोचा कि सही में हमारा देश आजाद हुआ वाकई में? कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि हम विचारों में कुचले जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि हम विचारों के आज भी गुलाम है। तो ये सब मद्देनजर रखते हुए मुझे नहीं लगता कि अभी पूरे तरीके से देश आजाद हुआ है। नासिर जी, जैसे एक नेता जो भी अगर जिस राज्य में हो, उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने राज्य में देखे कि कहां कोई हालात बिगड़े नहीं, लेकिन आज जो फिल्म द केरल स्टोरी है उसको लेकर देखा जा रहा है कि जो पॉलिटिकल लीडर्स है वो खुद इस फिल्म को लोगों द्वारा दिखाया जा रहा है और थिएटर्स में नारेबाजी की जा रही है, उसके बाद दंगे भड़क रहे हैं, तो इसमें ये नेताओं की क्या भूमिका है और असल उनकी भूमिका इस मुद्दे पर क्या होनी चाहिए थी? दरअसल मैम, मैं एक चीज आपको इसके अंदर में बताऊंगा कि ये केरला स्टोरी कोई गलत नहीं है। ठीक है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक राइट दिया गया है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कि सबको खुली आजादी है, चाहे वो कोई भी अगर मजहब में या कोई भी धर्म में कन्वर्ट होना चाहता है तो बिल्कुल हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कैसा है, जिस तरीके से जो हिंदू मुस्लिम कार्ड जो खेला जा रहा है, वो केरला फिल्म के मुताबिक कि भैया ये हिंदू के वोट है, ये मुसलमानों के वोट है, ये सिर्फ हिंदू कट्टरपंथी के वोट कहीं बिखरे ना करके ये जो केरला जो फिल्म बनाई गई है, आज
मैंने तो ये भी सुना हूँ कि उसके अंदर में उसको टैक्स फ्री कर दिया गया है, तो टैक्स फ्री करने के बावजूद भी सिर्फ उनको कुछ नहीं है, उनको अपनी राजनीति को, देश में जो होने वाली राजनीति को, उनसे उनको खतरा है करके केरला फिल्म जैसा लोगों को लुभाने का एक ओल्ड बैंक हिंदू एवं हिंदू भाई एक ओल्ड बैंक को एकत्रित करने की केरला फिल्म बहुत अच्छी भूमिका निभा रही है इसमें। जोहेब जी, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि आज जो भी माहौल चल रहा है उसमें ज्यादा दंगे फसादों में जो देखा जा रहा है, युवा ही आज हिंसा का कारण बन रहे हैं, उन्हीं की वजह से हिंसा भड़क रही है, तो क्या आज युवाओं को देश में ऐसे लड़ाने के लिए संगठनों द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा है? युवाओं की आज भूमिका क्या होनी चाहिए और आज युवाओं की स्थिति क्या है, इस पर आप एक संगठन के युवक कार्यकर्ता होने के नाते क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे मेन तो ये है कि जो ब्रेन वॉश जिस हिसाब से किया जा रहा है हमारे यहाँ पे, ब्रेन वॉश जो है वो इस मुद्दों को लेके किया जा रहा है कि भैया देखिए हमारे राजनीति जो है यहाँ पे 2 से 3 ये मेन पार्टीज है, इसमें ये भूमिका ये समाज को डिफाइन कर रही है, ये पार्टी जो है इस समाज को डिफाइन कर रही है। अब इसमें होता क्या है, क्या जब निचले स्तर में जब लोग आते हैं, मैं उचले स्तर की बात नहीं कर रहा, निचले स्तर में आते हैं तो लोगों का क्या होता है, जहन एक तरीके से बहुत गलत तरीके से डाइवर्ट किया जाता है कि अब ये देखिए आपको अगर जैसा बहुत सारे मुद्दे, जैसा लास्ट टाइम जैसा अभी कर्नाटक की बात करूँगा मैं, हिजाब के मुद्दे को लेके वहाँ पे एक बात उठाई गई थी, तो वो एक विशेष धर्म को लेके उठाई गई थी वहाँ पे। उसके बाद में अभी हमारे यहाँ के जो गृह मंत्री है, अभी 3 से 4 जो उनकी रैली हुई कंटिन्यूसली, वहाँ पे उनको ये उन्होंने ये टारगेट नहीं करना चाहिए जो उन्होंने टारगेट किए कि भैया अगर हम यहाँ पे अपनी अपनी पार्टी यहाँ पे जैसी लेकर आएंगे तो तुरंत में हम लोग जो है मुस्लिम का जो आरक्षण है वो कैंसिल कर देंगे, और अगर कांग्रेस आएंगी तो वहाँ पे आरक्षण कर दी। तो जो स्पीचेस हो रही है तो आप इससे समझ में आता होगा कि स्पीच का बोलने का तरीका किस एंगल में जा रहा है जिससे लोगों का माइंड ऑटोमेटिकली डाइवर्ट हो रहा है। तो उसमें युवा ही नहीं, उसके अलावा आप देखेंगे क्या जो 35 ईयर्स की एज के ऊपर वाले भी है वो लोग भी कहीं ना कहीं जब मार्केट में जब एक मेक से मिलते हैं तो उनका भी माइंड ये सब चीज़ों से डाइवर्ट होता है। और सबसे ज़्यादा अगर हमारे इंडिया की अगर मैं बात करूँगा तो 18 साल से लेके 35 साल की जो एक एज होती है, ये एज के अंदर में हमारा जो युवा होता है मैक्सिमम ये एजुकेशन लेता है या तो फिर जॉब जस्ट स्टार्ट किया हुआ होता है। इस एज के अंदर में आप देखेंगे वो ज़्यादा दुनियादारी को नहीं देखता है, अब वो ज़्यादा दुनियादारी नहीं देखा हुआ रहता, वो रीज़न की वजह से आप देखा जाए जहाँ पे हमारे यहाँ की मेन नेशनल पार्टी उसको मोड़ रही है वहाँ पे हमारा का युवा जो है वो मुड़ जा रहा है। इसी वजह से कंटिन्यूसली कुछ पार्टीज़ जो है वो अच्छी बात है कि वो अगर वो जीत कर आ रही है तो अच्छी बात है, लेकिन उसने इस चीज़ का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए जो धर्म को लेके बार बार इन चीज़ों को मुद्दे बनाए जा रहे हैं। एक युवा जो सबसे ज्यादा हमारे देश में आबादी है वो युवकों की आबादी है, पर युवकों के पास अगर युवक बड़ी संख्या में अगर जान समझकर वोट दे सही दिशा में तो देश काफी बदल सकता है, पर आज का युवा जो आज के युवक की स्थिति है उस पर क्या आप युवकों को संदेश देना चाहोगे कि इन सब भीड़ इन सब झमेलों से जूझ के क्या वो देश के लिए कार्य करे, क्या संदेश आप देना चाहोगे उन्हें? देखिए, सबसे पहले तो हमको जो है ना हिस्ट्री को भी पढ़ना चाहिए। जैसा लोग आज एजुकेशन के अंदर मैं बात करूँगा तो हर तबका हर समाज हर कोई जो है बहुत स्पीड में आगे बढ़ रहा है। मैं ऐसा किसी समाज को नहीं बोलूँगा कि ये समाज बहुत आगे बढ़ गया, तो ये एजुकेशन सभी के लिए सेम है और सभी लोग ऑटोमेटिकली आगे बढ़ रहे। तो मैं साथ साथ में ये भी बोलूँगा कि हम लोग को हिस्ट्री पढ़ना चाहिए कि हिस्ट्री हमारी जो है वो समाजों की सबकी एक साथ कैसी रही, क्योंकि सबने मिल के ही देश को आज़ाद किया। सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं अगर आप लोग को लूँगा, जलियांवाला बाग को कौन नहीं जानता हमारे इंडियन हिस्ट्री के अंदर में। तो ये एक ऐसी हिस्ट्री रह चुकी है, जब जनरल डायर ने जब बोला कि सभी को गोली चलाना है तो कई लोग वहाँ से भीड़ के अंदर में भागे, कुछ लोग बेचारे कुएं के अंदर में उन्होंने अपने जो बच्चे थे और लेडीज़ थे वो उसके अंदर में जान दे दिए क्योंकि उनको गोली से बचना था। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सीना अपना सामने रख के वहाँ पर गोलियाँ खाई है। तो जनरल डायर ने जो खान अब्दुल गफ्फार खान है उनको बोला था कि भैया जब गोली चलाई गई तो आपके जो कम्युनिटी के लोग हैं वो भाग चुके थे। तो उन्होंने जवाब दिए कि मैं चैलेंज करता हूँ, आप पोस्टमार्टम करवाइए। तो जनरल डायर ने 3 दिन कंटिन्यू उसका पोस्टमार्टम किया, उसके अंदर में ये पाया गया कि जितने मुस्लिम नौजवान वहाँ पे या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उनके एक भी शख्स के सीने के अलावा कहीं पर भी गोली नहीं मिली, सभी लोगों ने गोली सीने पर खाए। और इसी तरीके से आप देखेंगे तो जो देश को आज़ाद किए, मैंने ये एग्जांपल इसलिए दिया कि देश को जब आज़ाद किए तो चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो हिंदू हो सभी ने उसका बहुत अच्छा साथ दिए। तो
तो मेरा यही एक मैसेज है युवाओं को, क्या अगर आप जैसा लोग अगर आपको भटका रहे हैं तो आप थोड़ा सा हिस्ट्री भी पढ़िए कि हम लोगों ने मिलकर इस देश को आज़ाद किए, किसी एक कम्युनिटी ने या किसी एक समुदाय की जो बोलते हैं या कोई एक पार्टी है उसने कभी इसको आज़ाद नहीं किए, सभी लोगों ने मिलकर इसको आज़ाद किए। नासिर जी, अब मैं आपकी तरफ आती हूँ, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जो इतना प्यारा नाम है मुस्लिम हिंदू मुस्लिम एकता संगठन, तो अगर ये एकता के मानी अगर सच में आपके संगठन द्वारा कौन सा कार्य किया जाएगा जिससे एकता के असल मायने निकल कर आएंगे, और असल मायने एकता के क्या होना चाहिए वो आप बताएं। हम लोग एक हिंदू और मुस्लिम संगठन के माध्यम से देश में जन जागृति चलाएंगे, तो जिसका एक परिणाम स्वरूप पीसीएन एक माध्यम बना है, आज से हमने शुरुआत करें। मैं सबसे पहली बात मैं शुक्रगुजार हूँ पीसीएन के चैनल का, डायरेक्टर का, कि हमारा इंटरव्यू के लिए यहाँ पर हमको बुलाए और हमारी आवाज़ को यहाँ पर आपके चैनल के माध्यम से सुनी जा रही है। मैं तहे दिल से हिंदू मुस्लिम एकता संगठन की ओर से तरफ से मैं आपसे तहे दिल से आपका शुक्रगुजार करता हूँ। हमारा मकसद ये है मैम कि देश में जहाँ जहाँ चाहे वो बजरंग दल वाले लोग रहे, सब हमारे लोग हैं, शिवसेना वाले लोग रहे, सब हमारे लोग हैं, आरएसएस की भी लोग जो है सब हमारे लोग हैं, क्योंकि हिंदू मुस्लिम में कोई मजहब नहीं, सबका धर्म है और सबका मजहब है, हिंदू सभी है और सभी मुस्लिम है। इस देश को आजाद करने के लिए हमारे पूर्वजों ने बलिदान योगदान दिया है, हर मजहब के हर धर्म के लोग ने सब चढ़ बढ़ के हिस्सा लिया है इस देश को आजादी कराने के लिए। इस देश को आज हम स्वतंत्र के रूप में आप और हम आज देख रहे, आज जो हम सांस ले रहे स्वतंत्र की, ये हमारे पूर्वजों की देन है, सबका इसके अंदर में योगदान रहा है और सबों ने अच्छा बढ़ चढ़ के हिस्सा इसके अंदर लिया है। हमारा सिर्फ उद्देश्य इस मकसद यह है कि हमको ये सोचने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि आज देखो आज क्रिमिनल राइट हुए 2-3 दिन पहले अकोला में, इसका जीता जागता उदाहरण है। हम आपस में लड़ क्यों रहे, वाई समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग आपस में क्यों लड़ रहे, हमारे युवाओं का ब्रेन वॉश क्यों किया जा रहा है सिर्फ राजनीतिक द्वारा अपने। अरे राजनीतिक अपने घरों में रहते हैं, नेता लोग अपने घरों में रहते हैं, जिन्होंने हमको हमारे माँ बाप ने जो छोटे से बड़ा किया, और एक माँ बाप का हर एक सपना रहता है कि मेरा बच्चा आईपीएस ऑफिसर बने, हाँ आईपीएस ऑफिसर बने, आईएएस ऑफिसर बने, एलएलबी बने डॉक्टरों की, और एलएलबी वकीलों की डिग्री हासिल करे। आज धर्म संसद के नाम से आज जिस तरीके से प्रोपेगेंडा पूरे देश में चलाया जा रहा है कि जहां पेन उठाना चाहिए वहां पर शस्त्र उठाने की बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये देश को किस तरीके से माहौल देश में कहां कौन सी दिशा में लेके जाया जा रहा है। ये सड़ी इतनी राजनीति दुर्भाग्यपूर्ण गिर गई है, निचले स्तर पे आ गई है कि हमको आपस में लड़ाई का काम किया जा रहा है। मैं देश में जहां जहां पर भी देश में हर स्टेटों के अंदर में हर शहरों में हर गांव में हर खेड़ों में हम लोग जन जागृति अभियान चलाएंगे, और हम लोगों को युवाओं को बुजुर्गों को जो जो लोगों ने इतिहास नहीं पढ़ा है उनको इतिहास समझाएंगे कि वाकई में इतिहास में क्या चीज लिखी हुई है। हमारे एक्चुअली ये जो ब्रेन वॉश करके जो आपस में लड़ा जा रहा है उसका विशेष कारण ये है कि हमको हिंदू मुस्लिम जो कार्ड खेला जा रहा है ना, सिर्फ जो कुछ असामाजिक तत्वों के लोग जो देश में है, जो धर्म संसद के नाम से, बागेश्वर सरकार के धाम के नाम से कि वक्त आ गया है हिंदुत्व देश में हिंदुत्व को घोषित किया जाए, हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। हिंदू राष्ट्र घोषित करने से पहले मेरा ये सवाल है कि जब उस पीरियड में जब देश को आजाद कराने के लिए जब वहां पे हिंदू राष्ट्र की बात की गई थी, क्या देश को आजाद कराने के लिए वहां पे हर समाज के लोगों ने, हर धर्म के, हर मजहब के लोगों ने देश को आजाद कराए थे, जब वहां पर तो ये बात नहीं अपना करी गई थी कि हिंदू राष्ट्र बनेगा इन फ्यूचर जब देश आजाद हो जाएगा या मुस्लिम राष्ट्र बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वक्त आ गया है कि हिंदू मुस्लिम एकता संगठन पूरे देश के अंदर में जितने भी लोग मेरे साथ में जुड़े हैं, ग्रुप में एडमिन बनाया मैंने, एक एडमिन बनाने के दरमियान आज लोग उसको लाइक सब्सक्राइब सब कर रहे हैं, और हिंदू मुस्लिम देश में होना चाहिए एकता, ये वक्त आ गया है बोले सर। और हमारे तरफ में MP मध्य प्रदेश सिवनी में बुलाया गया हमें कि आपकी संगठन को आपका वेलकम है, आप यहाँ पर आइए, हम लोग बिल्कुल आपके साथ में है सर। हर धर्म के हर मजहब के लोग
इस मुहिम में, इस जन जागृति की मुहिम में सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसके अंदर में बहुत अच्छा, देश के अंदर में एक नई क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं जो ब्रेन वॉश करके युवा को डाइवर्ट किया जा रहा है, हम उनको निश्चित रूप से, हम लोग उनको इतिहास बताने में सफल रहेंगे। इस मुहिम के माध्यम से बताएंगे कि हमारा देश का कल्चर, हमारे देश का इतिहास किस तरीके से कुछ असामाजिक तत्व के नेता लोग जो है देश में पार्टियां है, हमारा ब्रेन वॉश करके क्यों हिंदू और मुसलमान कार्ड खेला जा रही है। ये वजह से हम लोग एक इस हिंदू मुस्लिम संगठन के माध्यम से जन जागृति अभियान करना शुरू करें। तो यहाँ वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखेंगे, बने रहिए इस चर्चा के साथ। हाजिर है खास मुलाकात में, जहां हमारी चर्चा चल रही थी हिंदू मुस्लिम एकता संगठन और देश की हालत पर। तो अभी हमने जाना कि हिंदू मुस्लिम एकता संगठन का क्या उद्देश्य है। अभी हम नासिर खान जी से जानेंगे कि हिंदू मुस्लिम एकता संगठन जो संगठन चलाया जा रहा है, उसके कार्य में क्या अभी कोई दिक्कतें किस तरह की सामने पेश आ सकती है, या इस संगठन द्वारा अभी किन चीजों को लेकर आह्वान किया गया है, या फिर क्या आपकी मांग सरकार के सामने है, ये हम जानेंगे नासिर जी से। बिल्कुल मैडम, ये हमारी जो मांग है और जायज है, संवैधानिक है, और ये जो हम मांगों को लेके जो हम चल रहे हैं, सबसे पहली बात कि देश कब रहेगा। अगर देश में इंसान बचे रहेंगे तो देश रहेगा, इंसान ही अगर खत्म हो जाएंगे तो देश कहां से बचेगा। तो ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम लोग कैंपेन चलाने वाले, और जो हमारी जो मांग है वो मांग हमारी संवैधानिक राइट मांग है। अभी जैसा हेट स्पीच, अभी डीवाई चंद्रचूड़ सीजीआई ने खुद अपने आप में संज्ञान लिया कि हेट स्पीच के ऊपर में कंट्रोल होना चाहिए। हेट स्पीच कहीं ना कहीं सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देने का काम कर रही है कुछ नेता द्वारा। तो कहीं ना कहीं सीजीआई ने जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उन्होंने खुद संज्ञान लिया, तो कहीं ना कहीं हमको ऐसा लग रहा है कि हमारी ये मुहिम सक्सेस क्यों नहीं होंगी। और आज जो हमको देश में जो हमारा ग्रुप है बना हुआ, आज ये हिंदू मुस्लिम जो संगठन है आज पूरे देश के अंदर हमको लाइक और सब्सक्राइब कर रहे हैं और हमको इनवाइट कर रहे हैं वहां पे आने के लिए कि सर आपका वेलकम है, हमारे स्टेट में आप आइए और जन जागृति अभियान में हम लोग आपके साथ में सब मिलके ये मुहिम को आगे बढ़ाएंगे और सबको, हर समाज के, हर धर्म के तबके के लोगों को जोड़ के इस मुहिम में सब सहभागी होके इसको पूरे देश के अंदर में चलाया जाएगा। तो इसके अंदर में अभी जैसा भी हमारी जो मांगे है हेड स्पीच के ऊपर में, तो हेड स्पीच के ऊपर में तुरंत इसके अंदर में प्रतिबंधक कानून बनना चाहिए, एक अधिनियम बनना चाहिए जो डीवाई चंद्रचूड़ साहब ने न्यायाधीश उन्होंने खुद संज्ञान लिया है और अमल बजानी उसके अंदर में पूरे कानून के रूप के अंदर में हो गई है। हम सबसे पहली बार डीवाई चंद्रचूड़ का तहे दिल से शुक्रगुजार करते हैं, उनका इस फैसले का आभार व्यक्त करते हैं और सम्मान करते हैं कि ऐसी हम लोग आशा करते हैं कि कोई भी हेड स्पीच देगा, कोई भी धर्म और मजहब के नाम से स्पीच देगा, भड़काऊ भाषण देगा, चाहे वो कोई भी नेता रहे, बड़ा से बड़ा नेता क्यों ना रहे, उसके खिलाफ में हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के माध्यम से कंप्लेंट डालने का काम हमारे संगठन के माध्यम से किया जाएगा। और हमारी विषय जो मांग है आरक्षण की, मैं धर्म और मजहब के नाम से हम लोग आरक्षण नहीं मांग रहे। पर्टिकुलर कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर अगर हम लोगों ने गौर करें तो 2005 2004 के अंदर में एक मसौदा तैयार किया गया था कि मुसलमान सबसे ज्यादा देश के अंदर में पिछड़ा कोई है तो मुसलमान समाज है, सबसे ज्यादा राजनीति में, एजुकेशन में, नौकरियों में सबसे पिछड़ा वर्ग है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए तो
इसके अंदर सच्चर कमीशन की जो रिपोर्ट है इसको लागू करना चाहिए, ये हमारी संवैधानिक मांग है। और दूसरी और तीसरी मांग ये है जो मुसलमान समाज के ऊपर में अन्याचार हो रहा है, जैसा कि अभी हाल ही में हम देखते हैं जुनेद और नासिर को जिस तरीके से निर्मम गाड़ी के अंदर में निर्मम हत्या करके जला दिया गया, और इस तरीके से कानून, और दूसरा पालघर के अंदर में जो मॉब लिंचिंग हुई थी, पालघर के अंदर में साधु संतों को बच्चा चोरों के नाम से मार दिया गया था। तो ये कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर सिर्फ राजनीति द्वारा जहां जब जब भी इलेक्शन आए होंगे, आपने ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर में, जब भी इलेक्शन आए तो कहीं ना कहीं हिंसा हुई है और एक ही कम्युनिटी को सबसे ज्यादा टारगेट किया है, मुसलमान समाज को, कभी गौरक्षा के नाम से, कभी काय के नाम से, तो कभी बजरंग बली के नाम नारे लगाइए, कभी श्री राम जी का नारा लगाइए, ठीक है, सभी हमारे आदर और सम्मान है, सभी पूजनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम किसी के धर्म में कोई भी आप देखो, विशेष रूप से एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, अगर कोई समाज अगर कोई वाकई में रूल्स रेगुलेशन अगर कोई फॉलो कर रहा है, संवैधानिक तरीके से चल रहा है, तो वो मुसलमान समाज सबसे ज्यादा फॉलो कर रहा है और संविधान के हिसाब से चल रहा है मद्देनजर रखते हुए। लेकिन हमको कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर दिया जा रहा है, हमारे ऊपर में जुल्म किया जा रहा है, एक मुसलमान समाज के ऊपर में जुल्म किया जा रहा है। जब भी कोई इलेक्शन आते हैं तो कहीं ना कहीं भीड़ हिंसा हो जाती है, या श्री राम के नारे लगाने से मॉब लिंचिंग की जाती है, ये तरीके से पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है, जो गलत है, जो वाकई में गलत है। तो इसको मद्देनजर रखते हुए एक मुस्लिम अत्याचार अधिनियम पूरे देश के अंदर में बनना चाहिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में इसके ऊपर में कानून बनना चाहिए, मुस्लिम एकता, मुस्लिम हिंदू एकता संगठन के माध्यम से हम लोग इसको पार्लियामेंट में, हमारे तरफ पे जो नितिन गडकरी जी है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद, हम उनको भी विशेष रूप से लिखित रूप से निवेदन देंगे, और उम्मीद हम लोग आशा करेंगे कि इस तरीके से जो STSC एक्ट हमारे 1990 के अंदर में जो कानून बना, वैसे ही STSC एक्ट के अंदर में सम्मिलित या एक विशेष रूप से मुसलमान अत्याचार निरोधक अधिनियम पूरे देश में लागू होना चाहिए। ये मुस्लिम हिंदू एकता मंच से हम लोग आह्वान करेंगे और सबको जन जागृति का अभियान चलाने की इस माध्यम से, संगठन के माध्यम से लोगों को जन जागृत करेंगे कि आपस में ना लड़े, कुछ नेता हमको सिर्फ लड़ा रहे राम और रहीम को, इनके बहकाव में ना आए, हमारा इतिहास जाने कि हम कौन से इतिहास से आते हैं, सभी धर्म सभी मजहब के लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए बराबरी का योगदान दिया है, सब दिया है। इस तरीके से हमारी ये मुहिम का स्वरूप है, और जितनी भी हमारी जो मांगे हैं ये सब जायज मांगे हैं। हम आरक्षण जो मुसलमान समाज के लिए जो हम बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर हम धर्म को देख के नहीं कर रहे, हम ये देख के हमने ये सिफारिश को लागू करने की बात कर रहे हैं देश में, कि जो रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट है, अमिताभ कुंडू की रिपोर्ट है, सच्चर कमीशन की रिपोर्ट है, उसके अंदर में मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग और पसमानदा है, तो वो मुसलमान समाज, आज मुसलमानों के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वहां आज भेदभाव, कहीं ना कहीं एजुकेशन के अंदर में, नौकरी के अंदर में वहां भेदभाव किया जाता है। आज जैसा अछूतों के अंदर में, जब पहले डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने अछूत समाजों के लिए, दलित समाजों के लिए पानी पीने का अधिकार दिलवाया था, आज हमको ऐसा कहीं ना कहीं लग रहा है मुसलमान समाज को कि हम पूरे तरीके से देश से आजाद नहीं हुए, कहीं ना कहीं हम लोग भी अछूत जैसा हमको देश में हमारे साथ में व्यवहार किया जा रहा है, कभी नौकरी में तो कभी एजुकेशन में कभी काय में, तो ये सब चीज जैसा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने आर्टिकल 17 में ये बोला गया था कि अस्पृश्यता का अंत, अछूतों का अंत, तो हमको आज कहीं ना कहीं दलितों से भी निपटकर अगर हमारी हालत हो गई है तो मुसलमान समाज की, तो ये सब चीजें जब अस्पृश्यता का जन्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने जब बोल दिया है, संविधानिक रूप के अंदर में लिखा हुआ है उस चीज को कि भैया अस्पृश्यता का अंत, तो ये सब चीजें हमारे देश के अंदर में क्यों हो रही है, ये कहीं ना कहीं कुछ असामाजिक तत्वों के जो पॉलिटिकल लोग हैं वो कहीं ना कहीं ये अपने अपने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, कोई हिंदू मुस्लिम कोई खतरे में नहीं है, ना हिंदू भाई को मुसलमान से खतरा है, ना मुसलमान को हिंदू भाई से खतरा है, इनको अगर खतरा है तो इनकी देश की राजनीति को इनको खतरा है, ये देश की राजनीति को इनकी खतरा है, क्योंकि इनको मालूम है कि हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेलेंगे, हमारी राजनीति नहीं चलेंगे और हम कभी केंद्र में या राज्य में अपना सत्ता नहीं होंगे, उनका विशेष कारण ये है।
अच्छा में अभी हमने नासिर खान जी से इस हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में जाना और देश में क्या हालत चल रही है उस पर हमने चर्चा की। तो ये थे हमारे साथ हिंदू मुस्लिम एकता संगठन से नासिर खान जी। तो जुहैब जी, मैं आपसे आखिर में ये जानना चाहूंगी कि हिंदू मुस्लिम एकता संगठन, इसकी ओर से आप क्या दर्शकों से अपील करना चाहोगे या एक क्या संदेश आप दर्शकों को देना चाहोगे? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जहाँ तक की भी मेरी आवाज़ पहुँच रही है, खास करके जो हमारे युवा समाज है, युवा समाज के जो लोग हैं वो चाहे किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, खास करके एजुकेटेड और जो हमारे युवा समाज है वो इस संगठन से जुड़े और संवैधानिक तरीके से, हम इस जैसे नासिर भाई ने बोले कि हम लोग जो है कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से हम लोग जो भी है पिटीशन दायर करेंगे। तो मैं भी उनसे वही युवाओं से अपने अपील करना चाहता हूँ कि हमसे अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो हम लोग जो संवैधानिक तरीका है उससे हम लोग गवर्नमेंट से लड़ेंगे और उसके जो जो हमारे जो हम लोगों ने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन तैयार की है उसके हिसाब से हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। तो आपसे मेरे आह्वान ये है कि आप लोग हमसे जुड़े और आगे की जो तैयारी रहेंगी, जो अभी के लिए नहीं, आने वाले 100, 200, 300 साल के लिए जो तैयारी हमने करना चाहिए वो आज नहीं करेंगे तो कभी, इन्हें बोला जाता ना कि अगर हिंदू मुस्लिम को अगर एकता करना चाहते तो अभी नहीं तो कभी नहीं, ये एक हमारा नारा है, अभी नहीं तो कभी नहीं। इस नारे के साथ में आप हमारे से जुड़े और जो भी सहयोग हमारे से आपको लगता है फ्यूचर में किसी भी स्टेट में हो, शहर में हो, तो वो भी हम लोग देने के लिए रेडी है। और हमारे नासिर भाई ने और जो जो बात बताया उस पर आप लोग गौर करिए और इसी हिसाब से हमारे से जुड़िए। बहुत 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 ही अच्छा संदेश आपने दिया। तो आज की हमारी इस खास मुलाकात में हमने जाना सिर्फ एक हिंदू मुस्लिम एकता संगठन के बारे में नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता ये क्या होनी चाहिए और देश में आज क्या हालत है और कहाँ पर है आज का युवा, इस पर हमने आज खास मुलाकात की, जिसमें हमारे साथ मौजूद थे नासिर खान और मोहम्मद जोए। तो आज के इस खास मुलाकात में बस इतना ही, बाकी फिर एक और खास मुलाकात में मिलेंगे अन्य किसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तो बाकी खबरों के लिए देखते रहिए बीसीएन न्यूज़। नमस्कार।